नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। एक अलग तरह की एक्टिंग के लिए जाने जाते थे देवानंद। एक अलग स्टाइल था उनका, आज भी उनका स्टाइल काफी पसंद किया जाता है। देवानंद एक बेहतरीन एक्टर रहे हैं। आइए जानते हैं देवानंद से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को अविभाजित पंजाब की गुरुदासपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तब उनका नाम धर्मदेव देवदत्त पिशौरी मल आनंद था। देव साहब का बचपन परेशानियों से घिरा रहा। बचपन से ही उनका झुकाव अपने पिता के पेशे वकालत की ओर न होकर एक्टिंग की ओर था। देव साहब ने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में लगभग 160 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम करने की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें प्रभात टाकीज में एक फिल्म हम एक है में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ वक्त बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक और फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी काफी सराहना हुई। इस फिल्म में उनके साथ थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी और बेहद सफल हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन चुके थे। देव साहब ने अपने दोस्त गुरुदत्त को डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म बनाने का निश्चय किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1949 में रिलीज हुई और काफी हिट रही। यहीं से देव साहब का करियर चल पड़ा। देव साहब ने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा अंग्रेजी साहित्य से लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसकी वजह थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर माया नगरी मुंबई की तरफ रुख कर चुके थे और वहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवानंद साहब फिल्मी जगत के सबसे मशहूर सदाबहार अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। माना जाता है कि जब वो काले कपड़े पहनते तो लड़कियां उन्हें देखकर सुसाइड करने पर उतारू हो जाया करती थी, इसीलिए उनके इस ड्रेस पर बैन हो गया था। ऐसे थे देव साहब। देव साहब और उनके छोटे भाई विजयानंद को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतनानंद को जाता है। देव ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कामयाबी इतनी जल्दी उनके कदम चूमेगी। सोर्सेस की माने तो गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे देवानंद और अभिनेता बन गए। देव साहब के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक रहे हैं। देव साहब की पहली फिल्म हम एक हैं थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनका नाम सिमट कर हो गया देवानंद। देवानंद 1950 के दशक के बड़े स्टार रहे हैं। देवानंद को अपने अभिनय के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देवानंद को सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार साल 1958 में प्रदर्शित फिल्म काला पानी के लिए दिया गया। इसके बाद साल 1965 में भी देवानंद को फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1991 में देवानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साल 2001 में देवानंद को भारत सरकार की ओर से कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। साल 2002 में उनके द्वारा हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे हैं देवानंद। पर्सनल लाइफ में भी वो बेहद रोमांटिक रहे हैं। उनकी इस बात का जिक्र उनकी खुद की जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में किया गया। शायद यही वजह है कि जिंदगी को प्यार की इबादत मानने वाले देव साहब को रोमांस का बादशाह कहा जाता है। सुंदर कद काठी के अलावा एक नायाब सी सूरत दे रखी थी उन्हें ईश्वर ने, जिसके चलते लड़कियों का दिल उन पर आ ही जाता था। लेकिन देव साहब को भाया वो चेहरा जो फिल्मी जिंदगी का सबसे महंगा और खूबसूरत था। देवानंद को अपनी जिंदगी में पहली बार मोहब्बत का एहसास बीते जमाने की सुंदर अभिनेत्री सुरैया से करवाया था। फिल्म किनारे किनारे की शूटिंग के दौरान दोनों की आंखें चार हुई और वहीं से ये मोहब्बत परवान चढ़ गई थी। लेकिन हर बार की तरह इस प्यार की राह आसान नहीं थी। सुरैया मुस्लिम थी तो इस वजह से ये शादी नहीं हो पाई। दिल के दर्द के साथ देवानंद आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी जिंदगी में भी सूनापन था जिसे दूर किया अभिनेत्री कल्पना कार्तिक ने। कल्पना के साथ देवानंद ने कई कामयाब फिल्में दी। मिस शिमला के नाम से विख्यात कल्पना कार्तिक जरूरत से ज्यादा हसीन और प्यारी थी। कल्पना देवानंद के बड़े भाई चेतन की पहली पत्नी थी।
कल्पना से शादी करने के बाद देव साहब को 2 बच्चे हुए जिन्होंने उनकी जिंदगी में ऐसे रंग भरे जिसके आगे उन्हें फिर किसी की जरूरत नहीं हुई। लेकिन दिल से जमा देव साहब को उम्र के उस पड़ाव पर तीसरी बार मोहब्बत हुई जिस समय उनके बेटे की उम्र 12 साल की थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में साथ काम करने वाले देव साहब को जीनत अमान का हुस्न भा गया। फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन जीनत ने देव साहब के दिल में जगह बना ली। लेकिन इस बार भी उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपना ये हाल दिल जीनत से इजहार किया माना जाता है उन्होंने ना कर दिया क्योंकि जीनत की जिंदगी में किसी और ने जगह बना ली थी। हालांकि जीनत और देवानंद ने कई बेहतरीन फिल्में दी। देव साहब भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता थे जिनका निधन लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में हो गया। आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। तो ये है देवानंद साहब और ये है उनकी कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।